फॉर्चुनेटली मुझे एक हैंडसम फियांसे मिला है जिसके पास एक मेंशन है और बहुत सारे पैसे हैं। मुझे उसे 6 महीने इंतजार करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्या होगा जब वो किसी और लड़की से प्यार करने लग जाएगा? मुझे थोड़ी जल्दबाजी करनी चाहिए थी। क्या उसे अपना डिसीजन बदल लेना चाहिए? नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे ठीक से सोचना होगा। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, तब उसे पता होना चाहिए कि मैं कहां से हूं। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वास्तव में नष्ट हो गए थे तो वो मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते होंगे, या शायद वो ही हैं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। वो उन तस्वीरों को याद करके कांप गई जो राजीव ने दिखाई थी। तस्वीरों में ऐसा लग रहा था कि बदमाश उसे मारना चाहते थे, लेकिन अगर वास्तव में वो अंडरवर्ल्ड से हैं और उसने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा, और अगर अजय उस अंडरवर्ल्ड का हेड है, तो वो मुझे जान से नहीं मारने वाले थे? उन्होंने मुझे क्यों बचाया? इसके अलावा मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, तो उन्होंने क्या किया? अब मुझे उसकी परवाह करने की कोई जरूरत तो नहीं है, है ना? लेकिन उनके पास कुछ मकसद होने चाहिए। मेरा मतलब, क्यों कोई एक अजनबी की मदद करेगा और मुझे घर और ऑफिस की चाबियां देकर भरोसा करेगा और मुझे घर में उसके साथ रहने देगा? इसके अलावा मुझे कुछ भी करने देना जो मैं चाहती हूँ, और सबसे जरूरी बात कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। क्या ये हो सकता है कि अजय मेरे दुश्मन का दुश्मन हो? वो कहते हैं ना कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। शायद यही कारण है कि उसने मुझे बचाया, मुझसे सारी जानकारी लेने के लिए। पर मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई है, या मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? फिर उसने सोचा, वो उन पर शक नहीं कर सकती। आखिरकार उसने उसकी जान बचाई थी, उसके ऊपर अजय का कर्ज था। इतना ही नहीं, वे उसकी बहुत केयर करता है, और अजय ने जिस तरह से उसे गले लगाया था। ये सब सोचते हुए अचानक उसकी आंखें एक फुटबॉल की गेंद सी बड़ी हो गईं। पता नहीं कितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। नहीं, ये गलत है, अंजलि मन में चिल्लाई। मैंने उसे पहले गले नहीं लगाया, उसने मुझे गले लगाया था। जैसा कि उसने उसे कसकर गले लगाया, उसका बायां हाथ उसके कंधे पर था और दायां हाथ उसकी पतली कमर पर था। वो उसकी छोटी लेकिन कमसिन कमर को माप सकता था, और इसके अलावा उन दोनों के शरीर आपस में मानो घुले हुए थे। जब वो सांस ले रही थी तो अजय उसे महसूस कर सकता था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और अंजलि की बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, वैनिला जैसी, लेकिन उसके दिए हुए साबुन से बदबू आ रही थी। अजय ने खुद उसके लिए हर जरूरी सामान खरीदा था। अंजलि की खुशबू ने उसे पागल कर दिया था। किसने सोचा होगा कि वैनिला की खुशबू इतनी अच्छी होगी? वो उसे हमेशा के लिए गले लगाना चाहता था, वो उसे एक सेकंड के लिए भी जाने नहीं देना चाहता था। वो क्यों जाना चाहती है? वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती? क्या उसे लगता है कि मैं उसके लिए सही नहीं हूँ? मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हो सकता हूँ, वो इसे कैसे नहीं समझती? जैसे जैसे वो उदास हो रहा था, उसे महसूस हुआ वो कांप रही थी। वो गुस्सा गया। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? उसने खुद से पूछा। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसका दिल अब उसके दिल की धड़कन से मेल खा रहा था। क्या वो भी वही महसूस कर रही होगी जो मैं महसूस कर रहा हूँ? उसे लगा कि उसके कान गर्म हो रहे हैं और उसका दिल फटने वाला है। हालांकि उसे अंजलि को अपने से दूर करना पड़ा जब उसे लगा कि उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। अजय ने ध्यान से अंजलि के चेहरे को देखा, फिर उसे प्यार भरी मुस्कान दी। उसका प्यारा चेहरा लाल हो गया था और वो चुपचाप उसके पास में बैठी रही, लेकिन उसकी आंखें शिकायतों से भरी थी। उसके जाने से पहले अजय उसके चेहरे की तरफ झुका और हल्के से उसके सिर पर किस किया। ये काफी हल्का सा किस था, मानो उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया। फिर अजय ने आखिरी बार उसकी खुशबू ली और जाने दिया। हमें लंच के लिए वापस जाना चाहिए, ये कहते हुए अजय उठ खड़ा हुआ, और जैसे ही वो जाने वाला था, उसने रुक कर अंजलि को देखा। आंखों में सवाल के साथ उसने अंजलि की ओर देखा, और अंजलि ने हल्के आवाज में शिकायत की, मैं अपने पैर नहीं हिला सकती।
अजय जल्दी से उसके करीब गया और उसके पैरों की जांच करने के लिए खुद नीचे बैठ गया। जैसे उसने उसके पैर छुए, उसके पैर कांपने लगे। मेरे पैर मत छुओ, अंजलि ने अपनी आवाज तेज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय हैरान हुआ और उसने पूछा, अगर मैं टच नहीं करूंगा तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि प्रॉब्लम क्या है? अंजलि उसे गुस्से में देखती है। ये पूरी तरह से आपकी गलती है। उसने अपने दांत पीस लिए और अंदर चीख पड़ी, अगर तुम मुझे इतना कसकर गले नहीं लगाते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुमसे किसने कहा था कि तुम इतने हैंडसम दिखो? क्या तुम कम नहीं दिख सकते? और एक बच्चे की तरह मेरे साथ बिहेव करने को किसने कहा था? क्या मैं अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती? आई एम श्योर पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर मेरे पास होता तो मैं इस तरह से कभी रिएक्ट नहीं करती। जबकि ये सिर्फ गले लगाना था। हाँ ये सही है, ये सिर्फ गले लगाना था, ये उसने अंदर ही अंदर चीख कर कहा। लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके होंठ कांप रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो उसके टच से नफरत करती थी या इसके बारे में दुखी थी। उसे गुस्सा था कि वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। अजय को भी ये सब समझ आ गया और उसने उसके बारे में एक नई बात भी सीखी। हालांकि अंजलि के पास एक अच्छा IQ था, दूसरी तरफ अजय का IQ कम था। क्या मुझसे कुछ ज्यादा हो गया था? उसने उसके प्यारे चेहरे को अपनी आंखों के साथ देखा। वो महसूस कर रहा था कि उसने बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट किया है। तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा लाल है, अजय ने उसे छेड़ते हुए कहा। शर्म से अंजलि की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी आंखों में आंसू देखकर अजय की कुछ और करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने पास रखा और दरवाजे की ओर चलने लगा। लेकिन अंजलि ने उसकी बाहों में जाने के बाद कहा, मैं चल सकती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। अंजलि ने हकलाते हुए कहा। वो अपना सिर जमीन में दफनाना चाहती थी। सच में ये मेरे लिए एक टॉर्चर है। कैसे वो उसे नौकरों और यूनिवर्सिटी के डीन के सामने ले जाने दिया? अजय उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके परेशान चेहरे को देखकर उसने उसे नीचे जाने दिया, लेकिन फिर भी सावधानी से उसकी दोनों बाहों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ग्राउंड को टच किया, उसका बैलेंस लूज हो गया। उसके इतना क्लोज होने के बाद भी उसे थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मिली क्योंकि उसके पैर अभी भी सुन्न थे। वो अजय से टकरा गई। अंजलि ऑलमोस्ट ग्राउंड पर गिर गई क्योंकि अजय ने उसे अच्छे से नहीं पकड़ा था। इस डर से कि वो हर्ट होगी, इसलिए उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल उसकी कमर को पकड़ने के लिए किया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, हालांकि अजय रेडी था लेकिन इतने अच्छे से नहीं। जब अंजलि को चक्कर आना बंद हुआ तो उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी पर कुछ चल रहा है। वो डर से जंप करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, उसने अपनी कमर की दाईं ओर देखा और देखा कि अजय का सख्त और गर्म हाथ एक्सीडेंटली उसकी शर्ट के अंदर स्लिप कर गया था। अब उसका बायां हाथ उसकी स्किन को टच कर रहा था। अंजलि का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर पहले सिर्फ हग करना एक शौक था, लेकिन अभी जो हुआ वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा शौक था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसे बहुत शर्म आ रही थी और इसके अलावा समय ने उसे धोखा भी दिया। हर सेकेंड उसे बहुत ज्यादा लग रहे थे। दूसरी तरफ अजय ने जो फील किया उसे बताया नहीं जा सकता था। जो आदमी 2 साल से ज्यादा समय से उस खूबसूरत लड़की को छूने का वेट कर रहा था, उसे अचानक उसकी स्किन को गलती से टच करने का मौका मिला। ये उसके लिए एक थ्रिल था। उसे लगने लगा कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है। उसका खून मानो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा था। उसका बायां हाथ एक अलग एहसास की आग में पिघलने लगा और उसके दिल के अंदर एक तूफान उठी। ये उसके लिए बहुत ज्यादा था, जो इन महीनों में एक साधु बन गया था। उसने फील किया कि वो अब और वेट नहीं कर सकता। और वहीं अंजलि ने कुछ अजीब सा फील किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। वो डर गई और अजय को दूर करने की कोशिश की। अजय ने अपनी पकड़ लगभग खो दी थी और उसी टाइम अंजलि ने उसे धक्का दे दिया। और तभी
अजय के दोनों हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर को दबोच लिया। उसका बायां हाथ उसके पेट के ऊपर जा रहा था। अंजलि दूर जाना चाहती थी, लेकिन अजय ने उसे अपने पास पकड़ लिया। दोनों की सांसें जोर जोर से चल रही थी। अंजलि के चेहरे का रंग बदलकर लाल हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसका माइंड ऑलरेडी ब्लैंक हो गया था। धुंधली आंखों के साथ उसने अजय को देखा, जिसका चेहरा लगभग उसे टच कर रहा था। वो बहुत क्लोज थे। वो तो चेहरे से एक दूसरे की सांसों को फील कर रहे थे। अंजलि उसकी आंखों में आग देख सकती थी। ये प्यार की आग थी जो उसे पूरी तरह से खा सकती थी। जैसे ही अजय अपनी जुनूनी आंखों से उसे निगल रहा था, उन्होंने दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज सुनी। नॉक की आवाज हल्की थी, लेकिन इसने उन दोनों के बीच एक बड़ा इंपैक्ट डाला। मैडम, सर, खाना ठंडा हो। श्याम अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ये उसकी बहुत पुरानी आदत थी कि एंटर करने से पहले वो नॉक करता था। उसको लाइफ में कभी भी अजय या किसी और ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज अपनी लाइफ में पहली बार उसे इसका रिग्रेट हुआ। उसने देखा कि उसके बॉस ने मैडम को पकड़ रखा था और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। इसके अलावा अजय का बायां हाथ। श्याम शर्म से लाल हो गया। बस 2 सेकंड की नजर से उसकी एक्सपीरियंस्ड आंखों ने सब कुछ समझ लिया। मैं माफी मांगता हूं सर। मैडम, प्लीज कैरी ऑन। श्याम 1 सेकंड के अंदर जल्दी से निकल गया। कैरी ऑन? अब कैसे हम कैरी ऑन करें जब मूड ही खत्म हो गया हो? अजय ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अजय ने उस लड़की को देखा जो अभी भी उसके गले लगी हुई थी। उसकी आंखों में एक चाहत थी। और फिर उसने खुद को धीरे से शांत किया। अजय ने सोचा, अगर मैं उसे इतनी जल्दी अपने मन की बात बताता हूं तो वो मुझसे दूर भाग सकती है। वो सिर्फ 6 महीने के बाद मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई है, और मैंने भी उससे वादा किया है कि अगर उसे कोई लड़का मिल जाए और उसे पसंद आ जाए तो वो हमारी शादी कैंसिल कर सकती है। मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। उसके अलावा किसी और इंसान के साथ अपनी वाइफ के रोमांस के बारे में सोचकर उसने खुद को कंट्रोल किया। फिर उसने उसे प्रिंसेस की तरह उठाया। इस बार अंजलि ने आर्ग्यू और रेसिस्ट नहीं किया। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो हैरान थी। उसकी आंखों में अभी भी एक धुंधलाहट थी। अजय हेल्पलेस दिखा और बोला, प्लीज मुझे इस तरह से मत देखो। मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना पहले से ही हार्ड है। उसके ऐसे चेहरे को देखकर अजय उसे डाइनिंग हॉल में कभी नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह अंजलि को उसके रूम में ले गया था। उसने उसे धीरे से बेड पर रख दिया और उसे लेटने में हेल्प की। फिर उसने बेडशीट से उसकी बॉडी को कवर किया। अजय ने थोड़ी देर उसके बालों को संवारा, और इससे पहले कि वो रूम से बाहर जाता, उसने उसके फोरहेड को किस किया और कहा, मैं तुम्हारा लंच यहां लाने के लिए अपने मेट को बता दूंगा ताकि तुम आराम कर सको। ये कहते हुए वो चला गया। जिस मोमेंट अजय ने उसका रूम छोड़ा, अंजलि घबराने लगी। उसने बेडशीट से अपना फेस छिपा लिया और कवर के अंदर देखने लगी। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं फिर से अज्जू को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? उसे कुछ समझ नहीं आया और वो जोर से चीख पड़ी। वो उसके हक करने के मोमेंट के बारे में सोचने में बिजी थी कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो सच में चिल्ला रही है। एक मेड अंजलि के रूम में चली गई। वो जूलिया थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। मिस, क्या आप ठीक है? क्या आपके साथ कुछ हुआ? अंजलि ने अपने चेहरे को कवर से बाहर निकाला और अपनी मेड को देखा। उसके टमाटर जैसे लाल चेहरे को देखते हुए जूलिया और भी डर गई और जल्दी से अंजलि के करीब पहुंच गई। मिस, आपका चेहरा लाल है, क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या मुझे सर को फोन करना चाहिए?
जूलिया के मुंह से सर सुनकर अंजलि का चेहरा और लाल हो गया। उसने जल्दी से जूलिया को रोका, नहीं उसे मत बुलाओ, मैं ठीक हूं रियली। जब उसने देखा कि वो जूलिया को कन्विंस नहीं कर सकती, अंजलि ने टॉपिक चेंज कर दिया। जूलिया, पहले से ही 1:30 बजे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। I am very sorry मिस, मैं आपका लंच लाने जा रही हूं। जूलिया फिर तेजी से निकल गई। जैसे ही जूलिया रूम से बाहर गई, अंजलि ने राहत की सांस ली। वो बेड से उठी और चेयर पर बैठ गई। उसने कुछ नेसेसरी चीजें लिखने के लिए एक पेन और एक नोटपैड लिया, जिसकी उसे यूनिवर्सिटी में जरूरत होगी। अजय ने डीन राकेश अग्रवाल के साथ अपना लंच फिनिश किया और फिर अंजलि के रिगार्डिंग कुछ कॉन्वर्जेशन के लिए स्टडी रूम में गए। अजय सीधा पॉइंट पर आया, वो गर्ल्स हॉस्टल में अपना रूम लेगी और साथ ही वहाँ एक और रूम अटैच होना चाहिए जहाँ वो पेंट कर सके। उसे जरूरी फर्नीचर की जरूरत है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। राकेश अग्रवाल ने सिर हिलाया, ठीक है जिंदल सर, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। उसे कोई अनसेटिस्फाइड ख्याल नहीं आना चाहिए। उसके रूम को कैसे डेकोरेट करना है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं इंटीरियर डेकोरेटर निशा मेहरा को अपने साथ ले आऊंगा। राकेश अग्रवाल चौंक गया था। निशा मेहरा सबसे फेमस इंटीरियर डिजाइनर थी और अभी वो काम की वजह से न्यूयॉर्क में थी। अजय रियली पावरफुल था, वो इतना बिजी थी फिर भी उसे यहां लाया गया था। जिंदल फैमिली की पावर इससे ही पता चलती है। एक बात जो राकेश अग्रवाल को नहीं पता थी वो ये थी कि निशा मेहरा स्कूल से राजीव की फ्रेंड थी, बल्कि वे बहुत क्लोज थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजीव ने अपनी लाइफ में उससे कैसे कैसे और क्या रिक्वेस्ट किए थे, निशा ने हमेशा इसे बिना किसी हेजिटेशन के पूरा किया। राकेश अग्रवाल के जाने के बाद अजय ने पहले ही उसे फोन पर कुछ देर आराम करने के लिए कहा, फिर कुछ और पूछे बिना वो आसानी से एग्री हो गई। जब मीटिंग खत्म हुई तो राकेश अग्रवाल वहां से चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर प्रिंसिपल को बुलाया। अजय ने हेड बटलर को बुलाया और उससे पूछा, क्या अंजलि ने अपना लंच किया? श्याम ने अपने सर और मैडम की पिछली बात को भूलने की कोशिश की। उसने नॉर्मली आंसर दिया, हाँ सर, मैडम अभी आराम कर रही हैं। उसे ये कहते हुए कुछ अजीब लगा, उसे शर्म आ रही थी। अजय को समझ नहीं आया कि श्याम ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे जवाब मिल गया। फिर उसने कहा, ये हस्बैंड और वाइफ के लिए नॉर्मल है, इसकी आदत डालिए। अजय वापस अपने कमरे में चला गया जबकि श्याम उसे देखते रह गए। आदत डाल दो? सर, मैं हर दिन इस तरह की चीजों से सामना करने की उम्मीद के बाद कैसे कर सकता हूँ? वह ये सारी बातें अपने दिल में ही कर सकता था, लेकिन कभी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इवनिंग में अजय बाहर जाने की प्रिपरेशन कर रहा था और उसने श्याम को अंजलि को इन्फॉर्म करने को कहा कि वो उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। लिविंग रूम में घबराई हुई अंजलि को देखकर अजय बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंजलि ने एक फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस उसके घुटनों तक थी, ये व्हाइट कलर की थी और नीचे रेड रोज प्रिंटेड थे। इसमें वी नेक कट और हाफ कट स्लीव थी। उसने ऑफ व्हाइट हील और बहुत कम ज्वेलरी पहनी थी। उसने कानों में व्हाइट पर्ल और एक व्हाइट पर्ल ब्रेसलेट पहना हुआ था। अंजलि ने सिंपल रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेकअप के बिना भी बहुत सुंदर लग रही थी कि अजय अपनी आंखें नहीं हटा सका। अंजलि का चेहरा उसके इस तरह देखने से जल रहा था, वो अभी भी दोपहर वाली बात नहीं भूली थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर श्याम को अपनी मैडम के लिए दुख हुआ। श्याम ने फिर अजय को देखा और कहा, सर कार रेडी है। फिर अजय अपने होश में आया और अपने छोटे से लाल चेहरे को छिपाने के लिए वो अपने लंबे कदमों के साथ अंजलि के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो चलते, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अंजलि कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए कहीं और देखने लगी। उसके लाल कानों को देखकर अजय फिर से मुस्कुराया और उसे लेकर बाहर आ गया। अजय ने फील किया कि उसके टच ने अंजलि को स्टिफ कर दिया, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया। उनके पीछे अंजलि की दो मेड्स थी,
उन्हें अपनी मैडम को देखकर दया आ गई और उन्होंने सोचा, आ गया शैतान राजकुमारी को लेने। इटली में एक शहर फ्लोरेंस, जहां था जिंदल फैमिली का घर। अतीत में यह घर जिंदल फैमिली का मेन हाउस था, लेकिन अजय जिंदल के सब कुछ संभालने के बाद वो अपने घर को फ्रांस में बनाना चाहता था। अजय घर का बड़ा, अपनी फैमिली के लिए उसकी बहुत सारी ड्यूटी थी। वो वास्तव में अपने परिवार की केयर करता था। उसके परिवार ने हमेशा उसकी देखभाल की और काम से पहले उसका और उसके भाइयों का ध्यान रखा था। वो जिंदल कॉरपोरेशन का हेड है, वो बस उन्हें रिलैक्स देखना चाहता था। 10 साल पहले, जब अजय केवल 18 साल का था, तब उसके फादर प्रकाश जिंदल कार एक्सीडेंट के बाद बीमार हो गए थे। इस दौरान पूरी जिंदल फैमिली मुश्किलों से घिर गई। जिंदल परिवार का हर एक सदस्य एक छुपी लड़ाई लड़ रहा था और जिंदल कॉरपोरेशन के सिंहासन को नोचने में लगा था। प्रकाश जिंदल के सभी भाई उनकी तरह हाईली पोटेंशियल वाले थे और उनके कनिंग मूव्स को संभालना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो जो भी करते थे उन्होंने कभी भी कोई भी सबूत किसी के लिए नहीं छोड़ा। उनकी एक यही गलती थी कि उनके 18 साल के भतीजे को उन्होंने बहुत छोटा समझा था, जिसके पास पहले से ही यूरोप का अंडरवर्ल्ड था। ऐसा कहा जाता था कि जो जिंदल फैमिली का सिंहासन लेगा वो यूरोपियन अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाएगा, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका भतीजा उनसे चालाकी करेगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में प्रकाश जिंदल किंग होता, लेकिन रमेश जिंदल उस परिवार के सबसे बड़े ने उसकी खराब हेल्थ के कारण संभालने नहीं दिया था। रमेश जिंदल अंडरवर्ल्ड के सारे काम मैनेज करते थे और उन्होंने अपने पसंदीदा पोते को उनकी मदद करने के लिए रखा था। फिर अजय की परमिशन के साथ दादा रमेश जिंदल ने चुपचाप उसे यूरोपीय अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया। रमेश जिंदल अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। अपने परिवार में कई अन्य लोगों से अलग उनकी सोच बहुत दूर की थी। जब उनके पिता ने रमेश को जिंदल हाउस का हेड बनाया तो रमेश अपने 5 भाइयों की जेलसी को फील कर सकता था, इसलिए उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बेटा करने की सोच रखी थी। रमेश जिंदल ने अपने लॉन्ग टाइम क्रश मोहिनी से शादी की, जो उसके एक अंकल की गोद ली हुई बेटी थी। इस शादी ने पूरे जिंदल परिवार में हंगामा कर दिया। मोहिनी अपने फादर की इकलौती बेटी थी और उसके फादर को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। न केवल रमेश जिंदल जो उस घर के हेड थे, बल्कि मोहिनी जिंदल भी उन्हें तब से प्यार करती थी जब वो बच्चे थे। लोग प्यार, नफरत और लालच के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग प्यार के लिए लालची होते हैं, कुछ लोग हीरे जवाहरातों के लिए लालची होते हैं, कुछ पैसे के लिए लालची होते हैं और कुछ पावर के लिए लालची होते हैं। यही बात जिंदल फैमिली में भी हुई। नॉर्मली एक साथ रहने वाली फैमिली बनने की जगह ये एक स्कैमिंग फैमिली बन गई। शादी के बाद मोहिनी ने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रकाश जिंदल रखा। जब तक रमेश के दूसरे भाई की वाइफ ने प्रकाश को जहर दिया, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रमेश जिंदल ने अपने सेकंड कजिन की पूरी फैमिली को बाहर निकाल दिया। उनका क्रोध काफी भयानक था, लेकिन तब से किसी ने उनके परिवार पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। प्रकाश जिंदल फिजिकली वीक था, लेकिन अपने पिता की तरह उसके पास एक अच्छा दिमाग था। घर संभालने के लिए वास्तव में उसके पास कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ उसकी वीक हेल्थ थी। एक बार जब वे बिजनेस के लिए इंडिया गए तो वहाँ एक फ्लोरिस्ट से मिले, उसका नाम नेहा शर्मा था। पहली नजर में दोनों को प्यार हो गया था। प्रकाश जिंदल रमेश जिंदल से ज्यादा रोमांटिक था। उसने एक बोल्ड दांव चला, नेहा प्रकाश से प्रेग्नेंट हो गई और उसने प्रकाश से ये न्यूज छिपाई रखी। उसे डर था कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देगा, इसलिए वह उसे अवॉइड करने लगी। जब प्रकाश ने देखा कि वो उसे अवॉइड कर रही है तो वो उसके घर आया। नेहा एक अनाथ थी, इसलिए वह अकेली रहती थी। उसने प्रकाश से मिलने से इनकार कर दिया और अपने घर के अंदर से ही उसने उसे ये बताया कि वो अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और वो अब उससे प्यार नहीं करती। वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती थी और ऐसी हुई कई और बातें उसने कही। उसकी ना को सुनने के बाद प्रकाश भारी मन से वहां से चला गया। बस वो एक ऐसी थी जिससे प्रकाश ने प्यार किया था। इस दुनिया में वो धूप थी,
वो एक हवा थी जो प्रकाश को सांस देती थी। उसे छोड़ना प्रकाश के लिए मुश्किल था। अगली सुबह जब नेहा बाहर गई तो उसे किडनैप कर लिया गया और वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वो इटली में जिंदल फैमिली के हेड हाउस में थी। वो मौत से डर गई थी, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश था। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसे पहले ही पता चल गया था। अपने लवर और उसके परिवार को इस खबर से खुश देखकर नेहा खुशी से रोने लगी। जल्द ही उनकी शादी हो गई और 9 महीने बाद अजय का जन्म हुआ। रमेश जिंदल उस वक्त बहुत खुश हुए जब अजय ने अपनी आंखें खोली। अजय को अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ की आंखें मिली थी। रमेश की माँ इटालियन थी और उनके पास ब्यूटीफुल ब्लू आईज थी जो बहुत अट्रैक्टिव थी। जाहिर है रमेश के पिता उसकी अट्रैक्टिव आंखों के कारण उसके प्यार में पड़ गए थे। वो एक बहुत अच्छी माँ थी, जबकि उसका पति अपने 6 लड़कों के लिए काफी स्ट्रिक्ट था। 18 साल बाद जब प्रकाश का शरीर अब और काम नहीं कर सका तो वो जिंदल कॉरपोरेशन से रिटायर हो गया। रमेश जिंदल ने फिर से इसे संभाल लिया, लेकिन उसके कजन भाई और उनके बेटों ने इतनी आसानी से ये बात जाने नहीं दी। जिस मोमेंट रमेश जिंदल को अपने बेटे के एक्सीडेंट का कल्प्रिट पता चला, वह उन्हें जिंदा जलाना चाहता था। लेकिन अजय ने रमेश को कहा कि ये उसे हैंडल करने दिया जाए। न केवल अजय का अपने परिवार के किसी भी दूसरे मेंबर की तुलना में IQ ज्यादा था, बल्कि वह अपने दादा से भी बेहतर दिमाग रखता था। उसके दादाजी 1 सेकंड में अपने दुश्मनों को खत्म करना पसंद करते थे, जबकि अजय अपने दुश्मनों के साथ खेलना पसंद करता था, फिर थोड़ा थोड़ा उन्हें टॉर्चर करता और उन्हें दुनिया से गायब कर देता था। सबसे अजीब बात ये थी कि जब रमेश के कजन भाई और उनके बेटों ने जिंदल कॉरपोरेशन को लेने के लिए उनको किडनैप कर लिया था, उन्हें नहीं पता था कि उनके भाग्य में क्या था। उन्होंने उनके परिवारों से फोन कॉल लेना शुरू कर दिया और कहा कि उन्हें कुछ गैंगस्टर्स ने मार दिया। वे स्थिति को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि रमेश जिंदल को बंदी बना लिया गया था तो कौन अंडरवर्ल्ड में ऑर्डर दे सकता था। अजय कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बाहर गया, जबकि दूसरे उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। 20 मिनट 20 घंटे लग रहे थे। जल्द ही उन्हें अजय का फोन आया। उसने अपने परिवारों को मारने वाले व्यक्ति का पता लगा लिया था, लेकिन उसे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। दूसरे लोग सेलफोन के दूसरे छोर से उसकी दर्दनाक चीख सुन सकते थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि 18 साल के अजय ने ये सब किया। और यही नहीं, अब अजय यूरोपियन अंडरवर्ल्ड का किंग बन चुका था। कजिन्स और उनके बेटे हैरान हो गए थे अपने भतीजे का खूनी खेल देखकर। जल्द ही वे पैनिक होने लगे। जैसे ही वे सिचुएशन को समझने में केपेबल हुए, वो भागने लगे। वे रमेश के बारे में भी भूल गए और उसे वहीं छोड़ दिया। एक बार जब वे चले गए तो अजय अपने दादा के पास आया। दादाजी रमेश जिंदल को अपने कजिन्स के लालच और दुर्भाग्य के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने सब कुछ अजय के लिए छोड़ दिया और तमाशा देखने के लिए घर गए। जल्द ही उनके 2 कजिन्स माफी मांगने के लिए आए। वे ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने प्रकाश की कार एक्सीडेंट की प्लानिंग की थी। अजय उन्हें अपने दूसरे दादा के विला में ले गया और उन्हें उनकी फैमिलीज की डेड बॉडीज देखने दी। पहले तो वे शॉक हो गए, फिर जोर जोर से रोना शुरू किया और अजय और उसके फादर को बुरा भला कहा। अजय ने उनका मजाक उड़ाते हुए देखा। जब वे उसे राक्षस बोल रहे थे तो उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान थी। तभी उसने कहा, जब सेकंड ग्रैंडमा ने मेरे डैड के लिए जहर वाली ड्रिंक बनाई तो आपने देखा कि सेकंड ग्रैंडपा की फैमिली के साथ क्या हुआ। उसके बावजूद आप लोगों की हिम्मत कम नहीं हुई। आपने शो स्टार्ट किया और इसे खत्म मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको तब तक जिंदा रखूंगा जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता। मरने से पहले मैं आपको वो नरसंहार दिखाऊंगा जो आपने शुरू किया था। आप एक खेल खेलना चाहते थे तो चलो फिर खेलते हैं, और ये मत भूलना कि इसे आपने शुरू किया था। इसके लिए ब्लेम सिर्फ आपको किया जाएगा। एक बार जब उसने कहना खत्म कर दिया तो अजय वहाँ से चला गया। उन अंकल्स ने अपनी फैमिली की डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार भी नहीं किया कि उन्हें अजय ने बंदी बना लिया था। कुछ जिंदल फैमिलीज ने अदर कंट्रीज के पावरफुल बिजनेसमैन और मिनिस्टर से हेल्प लेने का ट्राई किया, लेकिन सब कुछ बेकार था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इतने पावरफुल जिंदल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट जाए।
अगर कोई अपने ही रिलेटिव को मार सकता है तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो नहीं मार सकता था। कौन डेथ और पावर से नहीं डरता, उन्होंने सोचा। दूसरों से कोई हेल्प नहीं मिलने के बाद वे जहाँ चाहे वहाँ भाग सकते थे। कुछ गुफाओं में, कुछ पहाड़ों में और कुछ जंगल में छुप गए। जो बहुत ब्रेव थे उन्होंने प्राइवेट प्लेन्स और याच का यूज किया भागने के लिए। उनकी मोस्ट फैमिलीज मारी गई। जिनके पास अभी भी फैमिलीज थी वे उन्हें अकेला छोड़कर अकेले भाग गए। लेकिन अंत में सभी का एक ही भाग्य था और वो थी मौत। उनके प्लेन्स क्रैश हो गए, याच डिस्ट्रॉय हो गई। जिन्होंने पब्लिक प्लेन्स यूज किए और सेफ लैंड हुए इंडिया या अमेरिका में, बिना किसी निशान के एयरपोर्ट से डिसअपियर हो गए। इन इंसिडेंट के पीछे एक भी क्लू नहीं था। जो फैमिलीज अकेले रह गई थी, अजय ने उन्हें टच भी नहीं किया। इसके अलावा उसने उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट दिया और दूसरी कंट्रीज में भेज दिया। इस बीच दोनों अंकल्स रोते रहे और गैंगस्टर से उनकी मौत की भीख मांगते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनके सिंगल हेयर को भी टच नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें उनके रिलेटिव्स की डेथ की न्यूज कुछ जूसी स्टोरीज के साथ सुनाई। वे ऐसे भयानक टॉर्चर को हैंडल नहीं कर पाए। अंत में अजय ने उन्हें एक रूरल एरिया में एक छोटे से मेंटल क्लिनिक में रखा और उन पर नजर रखने के लिए कुछ बग्स प्लांट कराए जो उन पर नजर रखे। इस तरह उन्हें हिस्ट्री बना दिया। इस तरह जिंदल फैमिली का ब्लडी चैप्टर एंड हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने जिंदल फैमिली की मेजॉरिटी के सडन डिसअपीयरेंस के बारे में क्या सोचा। उनके पास एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा सभी ने ब्लडी चैप्टर को भूलने की कोशिश की। रमेश जिंदल अपने पोते के लिए परेशान थे, जिसने पावर के लिए इस तरह के ब्लडी गेम में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अजय इसके बारे में शांत था। वो जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। वो अपनी फैमिली की केयर करता था। रमेश जिंदल ने तब तक बिजनेस संभाला जब तक कि उनका बेटा वापस रिकवर नहीं हो गया। एक बार जब प्रकाश पूरी तरह से ठीक हो गया तो अजय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए चला गया। उसने अंडरवर्ल्ड को रमेश जिंदल के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि प्रकाश जिंदल ने फिर से जिंदल कॉरपोरेशन को संभाल लिया था। प्रेजेंट डे, फ्लोरेंस, इटली, द जिंदल फैमिली हाउस। अगर कोई इस घर को फ्रांस में जिंदल फैमिली के हेड हाउस से कंपेयर करना चाहता है तो इस फैमिली हाउस को एक पैलेस कहा जाना चाहिए। इस पैलेस में खुशी और शांति से रहने वाले दो जिंदल कपल्स थे। रमेश जिंदल का स्टडी रूम। जिंदल फैमिली के सबसे बड़े मेंबर ने अपने असिस्टेंट प्रतीक सिंह को देखा, फिर उसने अपने दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रखा। उसका नाम क्या है, रमेश जिंदल ने पूछा। पहले उसका नाम प्रिया था, लेकिन चूंकि वो अब जिंदल फैमिली में रजिस्टर्ड है इसलिए उसका नाम अंजलि है। रमेश जिंदल ने अपने बेटे को देखा जो इत्मीनान से रोज टी पी रहा था जो उनकी डियर वाइफ ने उनके लिए बनाई थी। मुझे लगा कि हमारी फैमिली में जब प्यार की बात आती है तो उसमें तुम सबसे बोल्ड थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था, रमेश ने कंप्लेन की। प्रकाश जिंदल ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने का बहुत ट्राई किया। जब प्यार की बात आई तो रमेश जिंदल न केवल अपने बेटे बल्कि अपने पोते से भी हार गए, जैसा कि मेरे बेटे से एक्सपेक्टेड था। प्रकाश जिंदल ने अपने बेटे की बहादुरी को सराहा। बकवास बंद करो, रमेश जिंदल ने जोर से कहा। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है तो क्या होगा? अगर कोई उसका लवर होगा तो? अजय के अपने कारण हैं। हम इसके बारे में उसे कुछ भी प्रेशर या एडवाइस नहीं दे सकते। एक आप ही हो जिसने उस पर शादी के लिए प्रेशर डाला, ऐसा बोलकर प्रकाश ने धीरे से अपनी चाय का सिप लिया। मैंने 21 साल का होने पर तुम्हारी माँ से शादी की और तुमने 20 होने पर अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया, और उसे देखो, वो अभी 28 का है लेकिन उसने इन सालों में कभी भी किसी लड़की की ओर नहीं देखा। उससे भी ज्यादा, अब उसने अपने गैंगस्टरों को एक लड़की का किडनैप करने का ऑर्डर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि वो गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई थी और अपनी मेमोरी खो बैठी। क्या वो उससे शादी करके बदला लेना चाहता है? मुझे लगता है कि वो खुद के लिए कर रहा है। वो इस फैक्ट को कवर करे कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। बेचारी, उस लड़की पर दया आती है। एक बार में सब कुछ कहने के बाद रमेश जिंदल ने कुछ सांस ली। डैड, ऐसा नहीं है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे अपना ट्रू लव पाने के लिए बस कुछ टाइम चाहिए।
प्रकाश ने अपनी चाय खत्म की और कप को टेबल पर रख दिया। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये मेरी गलती है? रमेश ने अपने बेटे को गुस्से से देखकर कहा। डैड, मैंने ऐसा नहीं कहा, प्लीज चाइल्डिश हरकतें ना करें। मुझे पता है कि आप उसके बारे में वरीड हैं। प्रकाश टेबल पर रखे अजय के डॉक्यूमेंट देखने लगा, जिसमें उसने अभी जो कुछ भी किया था उसकी लिस्ट थी। वो एक्चुअली अपने खून पर जासूसी कर रहे थे। रमेश ने अपने बेटे को एक ब्लडी लुक दिया। चाइल्डिश? तुम किसे चाइल्डिश कह रहे हो? एटलीस्ट मैंने मेरी डिजायर को तुम्हारी माँ से शादी की रात तक कंट्रोल में रखा था, तुम्हारी तरह नहीं। मेरे बेटे और उसके बारे में वरीड कौन था? जैसे कि मुझे परवाह है, मैं तुमको ये बता दूं कि अगर वो एक महीने में अपना ट्रू लव नहीं पा सकता है तो मैं उसे उस लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए फोर्स करूंगा। जब उन्होंने देखा कि उनके इकलौते बेटे ने उनको निग्लेक्ट किया तो उन्होंने अपने असिस्टेंट की ओर देखा। प्रतीक, आप कुछ भी क्यों नहीं कह रहे? क्या मैंने आपको इस लड़की के बारे में हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं कहा था? बॉस, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, असिस्टेंट प्रतीक ने हकला कर कहा। रमेश और प्रकाश चौंक गए। प्रकाश ने गुस्सा होते हुए पूछा, आपका क्या मतलब है? आप कब से ऐसे लोसी वर्कर बन गए? बॉस, पहले लड़की का नाम प्रिया था, अब वो जिंदल फैमिली में रजिस्टर है। अजय सर ने अपने असिस्टेंट प्रेम को उसके नाम के साथ दुनिया में उसके एग्जिस्टेंस को इरेज करने को कहा है। रमेश और प्रकाश का मुंह खुला रह गया। जो पहली बात उनके दिमाग में आई थी, अजय ऐसा क्यों करेगा? हालांकि जब रमेश शॉक से बाहर आया तो उसने आंखें झपकाते हुए कहा, मुझे सब कुछ बताओ। रमेश को कुछ इंटरेस्टिंग मिला है, वो काफी खुश दिखे। जिस तरह से अजय ने अपना दांव खेला वो बहुत सरप्राइज थे। वो न केवल उससे शादी करना चाहता था बल्कि वो उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज करना चाहता था। रमेश ने सोचा, ये लड़की बहुत सस्पिशियस है, उसका एक डार्क पास्ट है, वरना अजय आउट ऑफ लाइन कुछ क्यों करता? लास्ट टाइम उसने ऐसा काम तब किया जब उसने जिंदल फैमिली के रिलेटिव्स को वाइप आउट किया था। फिर रमेश ने प्रकाश को देखा और पूछा, क्या हुआ? डैड, ये तो वही सेम लड़की है 3 साल पहले वाली, प्रकाश ने कहा। रमेश ने कहा, 3 साल पहले क्या हुआ था? डैड, 3 साल पहले जर्मनी में जो इंसिडेंट हुआ उसे आप कैसे भूल सकते हैं? आप सड़क पर वॉक कर रहे थे और एक आदमी ने आपको पुश किया, आप ऑलमोस्ट गिर गए, और एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की ने मुझे एक चलती कार से एक्सीडेंट होने से बचाया। रमेश ने जोर से कहा, मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया, मैं इस तरह के हेवनली गिफ्ट को कैसे भूल सकता हूँ? अरे डैड, माँ को इसके बारे में पता ना चलने दे वरना हम दोनों को गोली मार देंगी, प्रकाश ने अपने पिता को वार्न किया। रमेश ने अपने बेटी की ओर देखते हुए कहा, ये मैं ही होने वाला हूँ जो गोली खाएगा, तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मैंने इसे सीक्रेट रखा कि आपने मुंबई यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट को शादी का प्रपोजल दिया, प्रकाश ने अपने पिता को याद दिलाया। असिस्टेंट प्रतीक की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये उसके लिए एक नई न्यूज थी। फिर अचानक वो जोर से कांपने लगा, क्यों, मैं किसी को प्रपोज नहीं कर सकता क्या? मैं ऐसा चांस कैसे मिस कर सकता हूँ? एक बार बस उसके बारे में सोच के देखो कि वह दुल्हन है। और रमेश इसके आगे नहीं बोल पाए, वो और उनका बेटा दोनों ठंड से जम गए। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। ओ माय गॉड, जिंदल होम की मालकिन मोहिनी जिंदल, रमेश जिंदल की डियर वाइफ, एक मुस्कुराता हुआ फेस और आंखें बंद करके खड़ी थी। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में था। डार्लिंग, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुम कब से वहां खड़ी हो? रमेश ने डरते हुए पूछा। बहुत ज्यादा देर से नहीं डियर, तब जब एक लड़की ने आपकी लाइफ को बचाया, मोहिनी ने उसी स्माइल के साथ आंसर दिया। उसने लड़की पर जोर दिया और उसकी आवाज फ्रांस की नदी की तरह ठंडी थी। बाप और बेटा दोनों अचानक ठंड से कांप गए। मोहिनी एक प्यार करने वाली माँ और देखभाल करने वाली मालकिन के रूप में जानी जाती थी। जो लोग उससे हेल्प के लिए आते थे वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो रमेश भी उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो कैसे करता? वो अपनी वाइफ के टेम्पर से डरने वाला पहला मर्द था। इससे ज्यादा ये फेल इन लव एट फर्स्ट साइट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो उस लड़की को अजय की वाइफ के रूप में चाहते थे। डार्लिंग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रमेश ने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी वाइफ के गुस्से से बहुत डर गया।
उसने हकला कर कहा और सिचुएशन को और भी वर्स्ट बना दिया। डैड आप क्या कर रहे हैं? प्रकाश अंदर रोया। इस बार वो अपने इनोसेंट पिता को नहीं बचा सका। मोहिनी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ठंडी सांप जैसी नजर ने बाप और बेटे को डरा दिया। फिर उसने कहा, चलो तुम दोनों मेरे साथ। 15 मिनट बाद, डार्लिंग आई एम सॉरी, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। रमेश जिंदल नील डाउन करके थक गया था और अपनी वाइफ के व्यवहार से भी डर गया था। वो तूफान से पहले की शांति थी। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग। मोहिनी अभी स्टडी रूम में अपने हस्बैंड की चेयर पर बैठी थी। उसके चारों ओर एक बर्फीले तूफान सी ठंडक थी जिससे दोनों बाप बेटे कांप रहे थे। नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बस उसे अजय जिंदल की दुल्हन बनाना चाहता था। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पावरफुल था, जब उसकी वाइफ की बात आती तो वो एक पालतू पेट बन जाता। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और अपनी फैमिली की बहुत केयर भी करता था। जब वो जिंदल फैमिली के हेड बने तो उन्होंने एक नया रूल बनाया, फैमिली फर्स्ट बिजनेस लेटर। जब उन्होंने ऐसा रूल बनाया तो उनके फादर बहुत हंसे थे। रमेश जिंदल के पिता हमेशा काम की केयर करते थे और हार्डली उनके पास फैमिली के लिए टाइम होता था। वह अपने बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। यहाँ तक कि जब उनकी बिलव्ड वाइफ बीमार हो गई तो वो उनके साथ रहे भी नहीं थे। रमेश की माँ की डेथ के बाद उसके पिता की पर्सनैलिटी सडनली चेंज हो गई। उसने ना तो बिजनेस की केयर की और ना ही अपनी फैमिली की। वो आलस से बैठे रहते और उस गार्डन को देखते जो उसकी वाइफ को बहुत पसंद था। फिर वो फ्लावर्स की और अपने वेजिटेबल गार्डन की केयर करते। रमेश जिंदल ने अपने फादर को बहुत समझाया। उसने अपने फादर के अंदर एक अकेलेपन को फील किया जो हमेशा उन्हें दर्द देता रहा। वो जानता था कि उसके पिता ने जो भी किया वो सब उनकी बिलव वाइफ के लिए था, और जब वो नहीं थी तो उनके सारे एम्बिशंस खो गए। रमेश ने अपने पिता से सीखा और अपनी वाइफ को हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, जो उनकी फैमिली के हर मेंबर ने अपनी वाइफ के साथ किया था। यहाँ तक कि फैमिली की दूसरी मैरिड लेडीज को भी उनकी ब्यूटी और फॉर्च्यून से जलन होती थी और वे उनके अगेंस्ट चाल चलने लगी। लेकिन मोहिनी भी उसी जिंदल फैमिली की मेंबर थी, उन दूसरी मैरिड लेडीज के उलट। उसकी स्कीम कोई बाउंड्री नहीं जानती थी। वह उन लोगों को हर्ट कर सकती थी जिन्होंने उसकी फैमिली को हार्म करने का ट्राई किया था। रमेश इस बात से उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो एक शातिर महिला बनना चाहती थी, लेकिन वह अपने हस्बैंड पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। उनका हस्बैंड और बेटा ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। और फिर उसे पता चला कि 3 साल पहले उसके हस्बैंड ने एक्चुअली में किसी को प्रपोज किया था और उसके इकलौते बेटे ने अपने पिता का साइड लिया। ये माफ करने लायक नहीं था। हालांकि जब उसने उसे ये कहते सुना कि उसने ये अजय के लिए किया था तो उसका गुस्सा कम हो गया। उसके 3 प्रीशियस ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा होने के बाद वे उसके फेवरेट बन गए। अक्सर रमेश को अपने 3 नॉटी ग्रैंड चिल्ड्रन से जेलसी होती थी, क्योंकि उसकी वाइफ उनकी केयर करने में इतनी बिजी होती थी कि वो अपने हस्बैंड को भी भूल जाती थी। रमेश को मोहिनी का उनको अनदेखा करने वाला नेचर दुख पहुंचा रहा था। वो निराश हो गए थे। वो केवल अजय के फ्यूचर के लिए अच्छा सोचते थे, क्योंकि वो एक शांत बच्चा था और उसकी आंखें उनकी माँ की तरह नीली थी। लेकिन राजीव टोटली ऑपोजिट था। जब राजीव केवल 2 साल का था तो उसे अपने दादा की जेलसी के बारे में पता चला और उसने अपनी दादी के सामने क्यूट और हेल्पलेस होने की एक्टिंग की ताकि उसे एक्स्ट्रा अटेंशन मिल सके। ज्यादातर समय वो रात में बेड टाइम में कहानी सुनते समय ऐसे एक्टिंग करता था और कहता था कि उसे भूतों से डर लगता है, इसलिए दादी ज्यादातर रात में राजीव के रूम में रहती थी। रमेश सब समझ गए। जब भी वो अपने दूसरे पोते को देखते तो वो उन्हें एक शैतानी मुस्कान के साथ देखता। रमेश अपने दांतों को पीसते हुए अपने पोते की खैर लेने का सोचते। भूत का डर? माय फुट, वो खुद शैतान की संतान है। उसके पास उसके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, इसलिए जब प्रकाश और 3 या 4 बच्चे चाहते थे तो रमेश ये कहते हुए उस पर चिल्लाए, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, जानवर हो क्या? प्रकाश को पता था कि उसके पिता ने अपनी सेल्फिशनेस के लिए ऐसा किया। जानवर कौन है? आप अपनी वाइफ को अपने ग्रैंड चाइल्ड से भी नहीं जीत सकते। प्रकाश ने मजाक उड़ाया। प्रकाश ने डेफिनेटली अपने पिता की बात नहीं मानी और दूसरे बच्चे के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, हालांकि उनकी डियरेस्ट वाइफ ने रिफ्यूज कर दिया। उसकी वाइफ नेहा रियली अपने फादर इन लॉ की केयर करती थी, इसलिए प्रकाश कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अपनी वाइफ की विश को एक गंभीर चेहरे के साथ एक्सेप्ट करने के।